sacrifice, and one private individual was the driver of a vehicle who also lost his life in the sad incident. It was a dastardly act committed by the Naxalites, and presently operations are going on in the area to ensure that no further casualties take place, and we are hopeful that we'll be able to meet the challenge in the times to come. Any questions? Sir, हिंदी में आज दोपहर 12:30 बजे के दरमियान गढ़चिरौली पुलिस की एक क्विक रिएक्शन टीम जो कुरखेड़ा पुलिस स्टेशन में बेस्ड है, वो हमारे नॉर्थ गढ़चिरौली में पुराड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना की गई थी, और रास्ते में नक्सलियों ने लैंडमाइन ब्लास्ट करके हमला किया उन पर, और हमारे 15 साथी इस हमले में शहीद हो गए। साथ ही साथ एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी जो वाहन चालक थे, उनकी भी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना का हम मुंह तोड़ जवाब देने की हमारी तैयारी है और हमारी क्षमता भी है। आगे आने समय में हम हमारे ऑपरेशंस होंगे और इसका जवाब दिया जाएगा। So both sir, last year this time only C60s launched the massive operations against Naxals, and we killed approximately 35 Naxals in that area. So is it some kind of a retaliation from their side? Whether it's a retaliation or not, it's of not much consequence for us. What is important is that we have lost 15 of our colleagues who have made the supreme sacrifice, and for us that's a very grievous loss. But as far as the anti-Naxalite operations are concerned, we are very firm in our belief that they need to be dealt with the full power of the state behind us. And in this regard, we have had discussions with the Honorable Chief Minister also, and the Home Minister also, and we are fully confident that we'll be able to handle the situation as it begins to open up from here. सर, निवडणुकीच्या काळात सांगण्याचं आव्हान नक्षलवाद्यांनी केलं होतं, तरी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर मतदान झालं, त्याचा काही हा परिणाम आहे? हे बघा, हे परिणामची काही गोष्ट नाही. याच्यामध्ये नक्षलवाद्यांचा उद्देश फार क्लिअर आहे. त्यांनी क्लिअरपट सांगितलेलं आहे की दे वॉन्ट टू ओव्हरथ्रो द स्टेट ॲज एस्टॅब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आणि त्या अनुषंगाने त्यांचे जे धोरण आहे त्या धोरणाप्रमाणे ते त्यांच्या कारवाई करत आहे. सो आय विल नॉट से की त्यांनी जसं आपण म्हणतात की ते इलेक्शन्सचा बहिष्कार केला असं काही नाही. जे काही केलं असेल त्यांना केलं, पण त्यांच्या धोरणाप्रमाणे ते त्यांनी धोरणात्मक कारवाई केलेली आहे त्यांच्या दृष्टीने. देखिए साहब, ऐसा है, ये जो ऑपरेशंस होते हैं वो जंगल में हो रहे हैं, और ऐसा कहना कि वहाँ पर कोई ट्रैप होने की आशंका है, ऐसा कहना सही नहीं होगा. वहाँ ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो हमें जो भी अप्रोच करना होता है, जहाँ घटनास्थल पर हम टैक्टिकली मूव करते हैं और सही तरीके से काम करते हुए जगह पर पहुँचने की कोशिश करते हैं. उसके साथ ही उसके आगे की कार्रवाई भी टैक्टिकली ध्यान में, सभी जंगल के जो टेरेन है उन सबको ध्यान में रखते हुए किया जाता है. तो ऐसा कहना ट्रैप्स करने की कोशिश हो सकती है, बट हमारी भी क्षमता है कि हम भी उसको हैंडल कर पाएंगे. ठीक है सर. सीआरपीएफ क्या कहना है सर कि हम जवाब देने के लिए हमारी ये टीम निकली थी, ऑपरेशन चल रहे थे और उसी वक्त इन पर अटैक हुआ सर, तो क्या जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मशीन्स और जेसीबी मशीन तो वो चलाई गई, क्या उसका जवाब देने के लिए हमारी ये टीम रवाना की गई थी और ट्रैप हो गए हम, ऐसा कुछ है क्या? जी, ऐसी कोई मालूमात हमारे पास एट द मोमेंट नहीं है, बिकॉज अभी तुरंत 2 घंटे पहले ये सारी घटनाएं हुई हैं, और इसलिए हमारे सारे ऑफिसर्स और जवान अभी फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं. उनके पास से जब हमें डिटेल्स मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जब उसके जो भी हमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा हम लेंगे उसमें. सर, हाल ही में गढ़चिरौली एरिया में इतना बड़ा हमला, बहुत सालों बाद इतनी बड़ी मात्रा में जवान हमारे शहीद हुए हैं सर, इसको इंटेलिजेंस फेलियर से जोड़ के देखा जा रहा है? देखिए साहब, ऐसा है कि इसको इंटेलिजेंस फेलियर शब्द देना ठीक नहीं रहेगा। इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें हमारी तरफ से सभी तरह की सतर्कता बनी रखी जाती है। ये घटना जो हुई है अतई दुर्दैव है और दर्दनाक है। हमारी तरफ से कोशिश रही कि आगे कभी इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और जहाँ तक महाराष्ट्र पुलिस दल का सवाल है, हम पूरी तरह से सक्षम हैं और हमारी तैयारी है कि इसका ऐसी घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब देने। सर, ये जो टीम थी, कितने लोगों की टीम थी और इंजरीज कितनी हैं? देखिए साहब, जैसा मैंने कहा है, 15-15 पीपल वेर गोइंग इन अ vehicle and the vehicle was blown up in a landmine blast. The information that we have as of now is that 15 people have died, including and one private individual who was driving the vehicle has passed away. This is the information we have. जी जी ये उसी की तरफ जा रही थी वो देखने के लिए या जी आज अभी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी एक उसी एरिया में हमारा एक पुलिस स्टेशन है, उसका नाम पुराडा है। पुराडा पुलिस स्टेशन की तरफ ये टीम रवाना हुई थी और रास्ते में ये घटना हो गई। Concerns are that we are actually in the process of we'll revisit the entire thing as to take or whatever lessons need to be learned. But as far as conduct of operations is concerned, we are very clear that operations will continue and with full force of the state behind us, and we have the capacity to take them on. And whatever tactical methods that need to be devised will be devised. Sir, निवडणुकीच्या आधी स्फोट घडवण्याचा प्रयत्न जो आहे हा नक्षलवाद्यांकडून करण्यात आला होता. कुठेतरी पूर्व माहिती जी आहे किंवा कल्पना पोलिसांना नव्हती का अशा पद्धतीचा इतका मोठा हल्ला हा होऊ शकतो? हे बघा, इलेक्शन निवडणुकीच्या काळात सुद्धा आमच्याकडे माहिती येत होती आणि त्याप्रमाणे आम्ही जवळपास कमीत कमी साऊथ गडचिरोली में आमच्याकडे असे सूचना होती आणि त्यामुळे आमचे जे त्या काळात इलेक्शन काळात जे आपले मूवमेंट्स होते ते फार छानपणाने झाले होते आणि टॅक्टिकल झाले. आपल्याला माहीत असेल की 11 तारखेची जो निवडणूकचा दिवस होता त्या दिवशी कोणतीही घटना घडली नाही आणि त्याच्यानंतर आपले फोर्सेससुद्धा टॅक्टिकली तिथून मूव्ह करण्यात आले होते. देअरफॉर ऑन दॅट वी आर हॅविंग इनपुट्स दॅट समथिंग ऑफ दिस काइंड वॉज to take place during the elections and therefore we had taken all precautions and they sapla tyancha todla sudha. So therefore to say that we had information about that during the elections this will be attempted and that they have already announced that they will make an attempt. So it was on our part to be assured that we should try and be careful. Sir, intelligence से उनको कुछ थे जिसकी वजह से ट्रक से वो लोग गए? सॉरी, क्या उनको किस तरह की जानकारी थी इंटेलिजेंस से? देखिए साहब, ऐसा है कि अभी सिर्फ 2.5 घंटे हुए हैं घटना को. हमारी टीम्स वहाँ पहुँची हुई है. डिटेल्स मैं खुद वहाँ जाने वाला हूँ. हमारे एडिशनल डीजी ऑप्स भी जाने वाले हैं. शाम तक हमें इस बारे में क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली और क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किया इस मैटर में. सर, एकूण किती वाहन चालली होती? एक गाड़ी चालली होती. एक गाडीमध्ये आपले 15 जवान होते आणि ते गाडीचा ड्रायव्हर होता. ते लँडमॅनमध्ये ब्लास्ट झाला होता, त्या व्हेकलमध्ये ब्लास्ट. जी नहीं, ये प्राइवेट गाड़ी में जा रहे थे. सर, कहाँ थे प्राइवेट गाड़ी में? कहाँ चले एवढे सगळे 15 पोलीस आहेत और प्राइवेट गाड़ी में कहाँ चले थे? पोलिसांच्या गाडीतून जाऊ शकले असते? साहब, ये जो नक्सलाइट एरिया है वहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं. एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ, क्यों गए, ये बात है वो हम देखेंगे. उसमें क्या चेंजेस करना नहीं करना बात की बात है, वो हम चेक करके बताएंगे. अभी मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहूँगा. अशा ठिकाणी मूव्हमेंट करताना रोड क्लिअरन्स वगैरे या बाबत केलं जातं आणि कालच घटना घडूनही रोड क्लिअरन्स वगैरे झालं होतं का की त्याच्यानंतर काळजी घेतली होती का? हे बघा, लाईक आय मेन्शन, इट इज आवर फोर्सेस आर स्टिल इन ऑपरेशन ॲट द मोमेंट. मला याच्याबद्दल काही कमेंट करणं बरोबर होणार नाही. सर, त्याच्याच धरून पुढचा प्रश्न आहे की कुठल्या ठिकाणी कुठली मूव्हमेंट असेल, मिनिस्टर किंवा कुठली, इथं जवळजवळ 25-30 किलोमीटर सगळं परिसर जो आहे सगळं चेक केला जातो. हा जो परिसर ज्या ठिकाणी ही घटना घडली ही मुख्य रस्त्यापासून जवळजवळ 10 ते 12 किलोमीटरच्या अंतरावरती आहे, लिनारे गावाच्या इथे. तर ह्या सगळ्या जवळ 25-30 किलोमीटर आपण चेक करतो, म्हणजे 10-15 किलोमीटर आपल्याकडून चेक झालं नाही पोलिसांकडून किंवा आपल्या गुप्तचर यंत्रणांकडून. हे काय म्हणायचं आहे साहेब? या प्रश्नाचं उत्तर मी आता काही देऊ शकत नाही. जोपर्यंत मला काही याच्याबद्दल पूर्ण माहिती येत नाही ते मी उद्या आज संध्याकाळी तिकडे चाललेलो आहे. उद्या मला आणखी माहिती मिळेल, त्याच्यानंतर याचा रिस्पॉन्स देणं बरोबर होईल आपल्या प्रश्नाचा. The purpose of the commute, as of what we have information as of now, is basically they were going to reinforce our AOP at police station at Purada. Sir, अभी सभी जो जवान हैं उनके जो शहीद हुए उनके बॉडीज हैं वो क्या रिकवर हो गई अब? जैसा मैंने कहा अभी सिर्फ अब 3 घंटे के आसपास समय हो चुका है, वहाँ से मूवमेंट करना आसान नहीं होता, वो लोग हमारे व्हीकल्स लोगों की मूवमेंट टैक्टिकली होती है, बिकॉज ऐसा घटना होने के बाद एक और सेकेंड एम्बुश भी लगाते हैं, इसलिए पुरानी कई बार आंध्र प्रदेश में सब जगह ऐसा हो चुका है, इसलिए वो टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए हमारे फोर्सेज वहाँ जा रही हैं, SP वहीं पहुँचने वाले होंगे अभी, तो शाम तक मेरे ख्याल से सारी कार्रवाई हो जाएगी। अभी कैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए प्रिपरेशन के लिए, अभी किस तरह से इंस्ट्रक्शन बड़े क्लियर है कि टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए ऑपरेशन किए जाएंगे और जो घटनास्थल पर जो पहुंच करके जो भी कार्रवाई आगे करनी है की जाएगी। जो सर वहाँ कार्रवाई हो रही है, क्या एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी मंगाई गई है अगल बगल के इलाकों से, किस तरह से ऑपरेशन कर रहा है? देखिए ऐसा है, नॉर्थ जितने हेडक्वार्टर्स में वहाँ पर गढ़चिरौली फोर्सेज है सब वहाँ से मूव कर चुकी हैं, तो उसकी हमारे मैन पावर की कोई कमी नहीं है हमें। अजून ऑलरेडी पोहोचलेला आहे, अजून पोहोचलेला आहे, पण अजून आणखी माणसं आम्ही पाठवलेला आहे, ते सगळे येणार आहेत तिकडे। सॉरी, ते जे काय असेल ते करावं लागेल, वॉट एव्हर हॅज टू बी डन विल सी। So far, we've been told that all 16 are no more, sir. Yeah. Their mortal remains, sir. What will be? They will be airlifted to Nagpur or Mumbai. You see, our operations are already on way. I have not bothered to disturb the Superintendent of Police at the moment because he's already facing a crisis on his hand. So let him conduct the operations. Once he's done, then we'll get to know more of reports on in the evening. Anything else? See, the biggest, the saddest part is that we have lost 15 of them, and that is a very big loss for us. And whatever is required to be done in place, it will be done. All 15 of them? Yes. Yes. The QRT? Quick Reaction Team. Quick Reaction Team, Kurkheda ki. C60 गढ़चिरौली बेस्ड रहती है, C60 के लोग नहीं थे, ये क्विक रिएक्शन टीम के थे। सर, किसी तरह के आर्म्स को ये किया गया, लूट किया गया? देखिए ऐसा है कि मैं अभी कह रहा हूँ ना कि घटनास्थल पर पहुँच करके अभी सभी बातों का जायज़ा लिया जा रहा है, एंड वहाँ पर घटनास्थल पर हमारे लोग पहुँच गए हैं, अभी कम्युनिकेशन अभी हमारा ठीक से हो नहीं पा रहा है बिकॉज वो अपना काम में बिजी हैं, उनको मैं बार बार डिस्टर्ब करूँगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन दो, दैट्स नॉट अ करेक्ट थिंग टू डू। Once they have done the operations and they have taken away the bodies and everything, then we'll get to know more facts. By today evening, something more will come out. But the preliminary assessment is, what was the reason behind the attack? Was it the polling? Was it last year's encounter? You see, there can't be a. Please understand. You have to be very clear that it's the avowed aim of the Naxalites to conduct guerrilla warfare, basically again overthrow the state, as established by law and the Constitution of India. That is the first aim of the Naxalites. So keeping that in mind, they will carry out this